अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद माय विश। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा पाव का हलवा, मुंबई फेमस। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है। ये अक्सर शादियों में या रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत जो है रिच डिश है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसे बनाना बहुत आसान है, उसके लिए हमने यहाँ पर 6 पीस जो है पाव के ले लिए हैं और उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटे पीस इसमें कट कर लेना है क्योंकि हम इसे फ्राई करने वाले हैं, तो सारे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे, प्योर घी, शुद्ध घी है ये। यहाँ पर मैंने घी की क्वांटिटी 3/4 कप ली की है क्योंकि मैंने इसे 2 बैच के अंदर फ्राई किया था। तो इस तरीके से घी हीट अप होने देंगे और पाव के टुकड़े जो हमने तैयार रखे हैं उसे ऐड कर देंगे और उसे फ्लिप करते हुए हम दोनों साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। हमें इसे बहुत जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है या जलाना नहीं है बिल्कुल भी, तो एहतियात से कीजिएगा। इसे फ्लिप करते रहना है हमें और अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर और क्रिस्पी हो जाने चाहिए हर तरफ से ये। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और दूसरी बैच भी मैंने इस तरीके से फ्राई कर ली थी और इसे साइड पर रख लेंगे। उसी पैन में हम यहाँ पर जो है फुल फैट दूध ऐड कर रहे हैं 1/2 लीटर। आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत रिच फ्लेवर आता है, बहुत क्रीमी लगता है। तो ये मैंने पहले से बॉयल एंड चिल मिल्क लिया है, उसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। तो हमें इसे बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है, हम स्ट्रेट अवे इसके अंदर 1 कप जितनी शक्कर यानी चीनी ऐड कर देंगे। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और 1 टीस्पून जितना यहाँ पर इलायची पाउडर शामिल करेंगे, या आपके पास अगर इलायची का एसेंस हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना वार्म मिल्क था, उसके अंदर हमने थोड़े से केसर के धागों को इस तरीके से भिगो कर रख दिया था, तो उसे ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने 3/4 कप मावा लिया है, ये होममेड है, आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी और यहाँ पर आई बटन में भी दे दूँगी। तो इसे भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता, उसे भी ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए। और इस दूध को हम स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक चला लेंगे। बीच बीच में हम इसे स्टर कर लेंगे। हमें जो है बिल्कुल इसे गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा बस कंसिस्टेंसी इसकी ठीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी ठीक हो चुकी है और इसका कलर भी अच्छे से थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है मिल्क। अभी हम इसके अंदर पाव के जो पीसेस हमने फ्राई कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पाव के पीस के ऊपर दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और सभी में दूध का जो है अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अभी हम यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रहे हैं, पीला और हरा, येलो एंड ग्रीन। आप चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन ऐड करेंगे तो बिल्कुल बाहर के जैसा लुक आएगा इसका। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। 3 कलर ये हो चुका है, वाइट, ग्रीन एंड येलो। तो ये बहुत रिच लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो कलर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं सारा दूध जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर। तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अभी हम इसे गार्निश कर लेंगे बचे हुए मावे के साथ। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये मावे की रेसिपी बहुत ईजी है, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, काजू, बादाम और पिस्ता। और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पाव का हलवा तैयार है, इतना ज़बरदस्त और रिच लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और रिच बना है ये, बिल्कुल शाही हलवा है ये।
और बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट था इसका, जैसा हम शादियों में खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज़ है, मज़ीद उसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।